फ्रेंड्स 2020 मैट्रिक पास सभी छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज से जो है इंटर में एडमिशन के लिए नामांकन जो है शुरू हो चुका है। काफ़ी छात्र जो है इंटर में एडमिशन के लिए काफ़ी दिनों से जो इंतजार कर रहे थे, तो आज जो फाइनली जो है आज से आपका जो एडमिशन जो स्टार्ट हो चुका है। तो किस तरह से आप लोग का जो एडमिशन लेना है सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो आप लोग को जो लगने वाला, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चंस को फोटो खींचे और उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को। डाउट हो तो डाउटनेट करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया। और इसका खासियत है कि इसका एक व्हाट्सएप नंबर भी 8400400400। किसी भी क्वेश्चन का फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो और उसे व्हाट्सएप पर सेंड करो और 10 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। तो जाइए डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर में नामांकन के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंटर में जो आवेदन जो है आज से जो है शुरू हो चुका है। तो चलिए पूरा यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो लग रहे हैं सारा कुछ जो यहाँ पे जो आपको बताने वाले, कौन सा जिला में जो कितना सीट है, कौन सा जिला सैप है वहाँ पे आप लोग का कितना सीट है, सारा कुछ जो इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटर में दाखिला के लिए आवेदन जो है बुधवार से शुरू हो जाएगा, यानी आज से जो है आपका जो एडमिशन जो है नामांकन जो है शुरू हो जाएगा, ठीक है। 2020-22 सत्र में नामांकन को इच्छुक विद्यार्थी को आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन 17 जुलाई तक लिया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आज से जो आपका जो है 8 जुलाई से आपका जो है 17 जुलाई तक जो आपका जो आवेदन जो है लिया जाएगा। अंतिम तारीख जो है आपका 17 तारीख तक जो है ऑनलाइन आवेदन जो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तीनों संकायों में मिलाकर 16,53,592 सीटों पर जो है नामांकन लिया जाएगा। देख सकते कि 16,53,552 सीटों पर जो है छात्रों का जो है नामांकन लिया जाएगा। इसमें कला संकाय में 7,05,012, ठीक है, विज्ञान संकाय में 6,75,400 स्टूडेंट को जो है नामांकन लिया जाएगा, ठीक है। वाणिज्य संकाय में 2,28,180 सीटों पर जो है नामांकन लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कृषि में जो है 1,520 सीटों पर जो है नामांकन होगा, ठीक है। तो देख सकते कि सारा कुछ जो यहाँ पे जो बताया गया कि कौन सा संकाय में कितना सीट आप लोग का जो है दिया गया, तो सारा कुछ यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है। विज्ञान में जो, कला में जो है, वाणिज्य में कितना सीट है, कृषि में आपका कितना सीट है, सारा कुछ जो है यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जिसमें 1,65,812 सीटों पर जो है नामांकन 2019 में हुआ था, ठीक है। तो इस बार जो है 87,780 सीट जो है बढ़ाया गया, ठीक है। 2019 की बात करें तो 1,65,812 सीटों पर जो है नामांकन लिया गया था इंटर में, लेकिन इस वर्ष जो है 2020 में आपका जो है 87,780 सीट जो है बढ़ा दिया गया। इस बार छात्रों का जो संख्या जो है लगभग 90,000 के लगभग जो है ज़्यादा है 2020 में, 2019 के अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि 2019 में 1,65,000 स्टूडेंट थे, इस बार जो है 2020 में आपका कितना है 16,00,000 से अधिक छात्र है, ठीक है। तो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नामांकन के लिए सीटों की संख्या बिहार बोर्ड ने बढ़ाई। इसमें छात्र अपने मन चाहे स्कूल और कॉलेज में दाखिला ले पाएंगे, ठीक है। तो अपना जौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हैं, आपका मन चाहा कॉलेज आप लोग चुन सकते हैं। आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं अपना मन चाहे कॉलेज में जो एडमिशन भी आप ले सकते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको देख सकते हैं कि आपका कौन सा जिला में आप है, हर जिला का जो सीट जो है यहाँ पे जो है दिया गया है। विज्ञान में इतना सीट है, वाणिज्य कृषि ने, सारा कुछ जो है हर जिला का जो है, हर डिस्ट्रिक्ट का जो है सीट जो है यहाँ पे जो है पहले से ही बता दिए कौन सा जिला में आपका कितना सीट है। तो इस तरह से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ आप लोग को इच्छा है कौन सा जिला में, आप अपना जिला में भी एडमिशन ले सकते हैं, कहीं अदर जिला में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो सारा कुछ जो है यहाँ पे आपका बताया कि इस जिला में इतना सीट है। तो पूरा वीडियो आप लोग को अच्छा समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स।